हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ, आप ज़रूर ट्राई करना। और मैं अपने घर का तरीका आपको बताऊँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने इसके लिए घर के ले ली हूँ, ये 1.25 किलो गोश है और बिना हड्डी का है। आप अगर चाहे तो आप हड्डी वाला गोश ले सकते हैं मटन, लेकिन मेरा जो मटन है वो बिना हड्डी का है। इसके लिए मैंने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी हूँ, और ये एक मीडियम साइज़ का कांदा, जिसको बारीक कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा कट करके आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा गरम मसाला डालूँगी, जैसे कि 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, ये स्टार फूल, थोड़ा सी वाइट जीरा, नॉर्मली जो जीरा हम यूज़ करते हैं ना वो, और 8 तक काली मिरी, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 4 लौंग। ठीक है, गरम मसाला थोड़ा कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें आगे भी गरम मसाला यूज़ करना है ना। इसके लिए ये 1/2 ग्लास से भी कम मैंने पानी ऐड कर दी। पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि पानी मटन का भी फिर छूटता है और ये कांदे का भी पानी रिलीज़ होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना। ये हल्दी मैंने 1 छोटी चम्मच ऐड कर दी, और नमक, ये दोनों चीज़ ऐड करने के बाद उसे हल्का मिक्स करके हमें कम से कम 2 से 3 विसल आने तक मैं उसे गलाऊंगी। वो फिर आपके गैस पे, आपके कुकर पे और आपके मटन पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है। ठीक है, ये मैंने एक तरफ मटन रख दी हूँ और एक तरफ पानी रख दी हूँ, जिसमें मैं चावल बिरयानी के जो हम राइस है ना वो बॉईल करेंगे। ये दोनों हो रहा है ना, जब तक मैं उसके मसाले की तैयारी करती हूँ, जिसके लिए मैं टमाटर काटी। मैंने ये बार जो टमाटर कट की ना, तो मैंने ऊपर का जो उसका छिलका रहता ना, उसकी स्किन वो हटाना भूल गई। मुझे लगा चलो इसी गल जाएंगे, लेकिन हटा लेती थी तो ज़्यादा अच्छा रहता था। उसको आप हटा कर ही यूज़ करना, तो उससे क्या होता है ना कि पूरा जो टमाटर है ना वो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनती है, मसाला ज़्यादा अच्छा बनता है, तो आप उसको हटा के यूज़ करना। और ये है पाइनएप्पल। आपने कभी बिरयानी में पाइनएप्पल नहीं डाले होंगे, लेकिन मेरे कहने पर आप ज़रूर ट्राई करना बिरयानी में पाइनएप्पल ऐड करना। और इसका जो बीच का हिस्सा रहता है ना, जो मोटा वाला, वो आप नहीं डालना, साइड का जो रहता है ना वही यूज़ करना है। ठीक है, आप कहेंगे बिरयानी में पाइनएप्पल कौन डालता है, लेकिन आप ज़रूर एक बार ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। ये पाइनएप्पल मैंने कट कर ली, टमाटर कट कर ली, 1 प्याली में मैंने दही रेडी कर ली, और मैंने मावा भी ली हूँ, इसमें 100 ग्राम मावा भी जाएगा। ये मैं बटाटा है ना वो बॉईल नहीं करूँगी, ना ही मैं उसको फ्राई करूँगी, स्टार्ट में मैं मसाले के साथ ही ऐड कर दूँगी। तो उससे ये होता है कि बटाटा पूरा मसाला भूनते भूनते तक बटाटा भी जो रहता है ना वो गल जाता है। इसमें मैंने हल्का सी पानी और बिरयानी का जो कलर रहता है ना, ऊपर जो हम कलर ऐड करते हैं ना, वो कलर ही बटाटे में मैंने लगा दी हूँ। ये देखिए, जब तक मेरा पानी बॉईल हो गया ना, तो मैंने पानी में मेरे राइस भिगा कर रखी थी थोड़ी देर के लिए। मैं तिलडा यूज़ करती हूँ, तिलडा बासमती राइस आता है ना वो यूज़ करती हूँ, तिलडा बहुत अच्छा रहता है वो चावल। और ये देखिए, जब तक मेरा जो मटन है वो 70% तक गल गया था, और मैंने सिर्फ 1/2 ग्लास से भी कम पानी यूज़ की थी, लेकिन देखिए जितना पानी मैंने यूज़ की थी ना, उतना पूरा ही मुझे दिख रहा है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है। तब पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ये मैंने वापस से गैस चालू कर दी, क्योंकि इसका जो मटन का पानी है ना वो थोड़ा सुखा लूँगी मैं। और ये मैं बिरयानी जब भी बनाती हूँ ना, जब भी मैं मसाला पीसती हूँ, आपके पास अगर रेडी है मसाला तो आप 3 से 3 चम्मच भर के यूज़ करना, बड़ी वाली चम्मच।
लेकिन बिरयानी के लिए आप भी अगर मेरी तरह फ्रेश मसाला बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए आप 20 कली लहसुन ले लेना, जितना लहसुन लेंगे उतना ही अदरक और हरी मिर्ची आपके ऊपर डिपेंडेड है, फिर भी आप 6-7 ले लेना। ये मसाला मेरा पीस के हो गया। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं रेड चिल्ली पाउडर, जो मेरा तीखा भी नहीं ज़्यादा फीका भी नहीं, मीडियम वाला है। ये 2 चम्मच ली हूँ, ये 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी पाउडर ली हूँ और 1 चम्मच भर के मैं कश्मीरी पाउडर लूँगी, जिससे मसाला एकदम अच्छा रेड कलर का हो जाएगा। ये 6 कांदे का बिरिस्ता है जो मेरा होममेड है, और ये जो मसाला मैंने आपको अभी रेडी करके बताई ना, वो है जिसमें मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची और ड्राई मसाले, इसमें रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी, और ये टमाटर है ये 6 है, ठीक है। और ये 100 ग्राम मावा है, 1 कटोरी दही है, 6 स्लाइस पाइनएप्पल है, और ये खट्टा जर्दालू है। और ये स्टार्ट में मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, वो भी आपको बताऊँगी, बघार इसी से करेंगे। और ये मैंने बटाटा ली हूँ जिसको मैंने रेड फूड कलर लगा के रखी हूँ, और ये नमक। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऐड करते जाऊंगी और आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। ये बिरयानी का मसाला मैंने स्टार्ट कर ली। इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल ली, जिसमें मैंने 1 स्टार फूल, 1 काली वाली जो बड़ी वाली इलायची आती है ना वो, और लौंग, लौंग इसमें भी ज़्यादा नहीं ऐड करना, 4 तक, 1 दालचीनी का टुकड़ा, काली मिरी 12-15, और 2 इलायची छोटी वाली, ठीक है। इसमें जीरा सफ़ेद वाला जो वाइट जीरा रहता है वो नहीं ऐड करना है, उसकी जगह पे हमें जो शाह जीरा रहता है ना वो डालना है। लेकिन तब कभी डालना है जब ये जो गरम मसाला हमने तेल में ऑयल में डाले है ना, उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, उसके बाद 2 चम्मच मीडियम साइज़ की भरकर शाह जीरा लेना है। ये देखिए मैंने 2 चम्मच भरकर शाह जीरा ली हूँ, लेकिन मेरा जो गरम मसाला ऑयल में है उसका कलर अब चेंज मुझे लग रहा है कि हो गया है, बाद में ही मैं ऐड कर दूँगी। शाह जीरा डालने के बाद भी उसका भी कलर थोड़ा चेंज होने तक रुकना है। फिर स्टार्ट में सबसे पहले जो हमने ड्राई मसाले और अदरक लहसुन का मसाला जो मिला कर रखे, उसमें थोड़ा पानी डालकर सबसे पहले वो ऐड करूँगी, और वो डालने के बाद तुरंत ही मैं ढक दूंगी ताकि जो गरम मसाले की खुशबू है ना वो उसी में रह जाए अंदर। और ये मसाला डालने के बाद गैस स्लो कर देना है ताकि आपका मसाला जले भी नहीं, और तुरंत ढक्कन हटाकर उसमें चार में मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी और वो भी इसमें डाल दूँगी। अभी गैस फास्ट करके उसे भून लेंगे। ये अच्छे से भून कर हो जाएगा ना तो उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अभी एक के बाद एक चीज़ें ऐड करते जाएंगे, सब चीज़ें एक साथ में ऐड करना है। ये मैंने टमाटर ऐड कर दी, उसके ऊपर थोड़ा सी नमक ऐड कर दूंगी क्योंकि मैंने मसाले में भी नमक नहीं डाली थी। और हमारे जो बटाटे हैं ना वो भी, आलू भी हमारे कच्चे हैं, हमने उसे बॉईल भी नहीं किया और फ्राई भी नहीं किया है, तो अब हम इसको भी टमाटर के साथ ऐड कर देंगे ताकि वो भी पकना शुरू हो जाए, उसकी भी एक प्रोसेस शुरू हो जाए। तो ये देखिए मैंने बटाटा भी ऐड कर दी हूँ ताकि उसका पकना शुरू हो जाए। अब ये सारी चीज़ों को मिलाकर ढक देंगे ताकि वो टमाटर है ना उसका मॉइस्चर रिलीज़ कर देगा और वो अच्छे से पक जाएगा टमाटर। उसके बाद हम पाइनएप्पल ऐड करेंगे। ऐसा स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ एक के बाद एक ऐड करते जाएंगे और ढक ढक के, और कभी लगेगा तो फास्ट भी करेंगे, स्लो करेंगे, इस तरीके से पूरा मसाला अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अभी मेरा गैस थोड़ा फास्ट है, ये देखिए मैंने स्लो कर दी। अभी मैंने थोड़ी देर के बाद देखी हूँ खोल कर, तो टमाटर थोड़ा गल गया है, ठीक है। अभी मैंने इसमें पाइनएप्पल ऐड कर दूंगी।
पाइनएप्पल ऐड करने वाला जो वीडियो था ना, उसको मैं पता नहीं स्टार्ट तो की थी लेकिन ये हुआ ही नहीं, वीडियो ही नहीं हुआ। ये देखिए मैं मटन मेरा ड्राई हो गया, इसमें थोड़ा सी पानी बचा है, ये थोड़ा सी पानी रहने देना है। बस इतना पानी बचेगा ना तो हम गैस बंद कर देंगे, इतना पानी रहने देंगे। और मैंने पाइनएप्पल ऐड की, उसका पता नहीं क्लिप ही डिलीट हो गया या क्या मालूम। तो फिर मैंने आपको चेक करी, मैंने तो उसमें नहीं था, तो मैंने वापस से आपको दिखाने के लिए, ये देखिए मैंने पाइनएप्पल ऐड कर चुकी, ये दिख रहा है आपको, ये पाइनएप्पल की स्लाइस का छोटा छोटा चंक्स है। ये देखिए मैंने पाइनएप्पल भी ऐड कर दी थी, टमाटर गलने के बाद ढक्कन हटा के मैंने पाइनएप्पल ऐड कर दी थी, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो पाइनएप्पल के चंक से, देखो पाइनएप्पल को भी ऐड कर कर मैंने उसको भी भून ली हूँ, थोड़ी देर उसे भी ढक कर रखी थी, अभी खोल कर देखी हूँ वो भी थोड़ा गल गया है। अच्छा ये जो है उसे गीला जर्दालू कहते हैं, एक ड्राई जर्दालू भी आता है, लेकिन बिरयानी पुलाव ये सारी चीज़ों में अगर आप ये गीला जर्दालू ऐड करेंगे ना, तो बिरयानी पुलाव हर चीज़ का एक जो टेस्ट रहता है ना, इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा बढ़ जाता है उसका टेस्ट। तो आप ये ज़रूर ला कर रखा करें, जैसे आप गरम मसाले रखते हैं ना वैसे इसे भी रखा करें, और ये पुलाव में बिरयानी में आप ज़रूर ऐड किया करें। और इसमें प्याज है ना, सॉरी बटाटा जो है ना, उसको आपको छोटे छोटे पीसीस नहीं रखना है, बिरयानी के जो बटाटे रहते हैं थोड़े बड़े पीसीस में रहते हैं, इसीलिए उसको मैंने स्टार्ट में ऐड किया ताकि वो गल जाए, क्योंकि पीस बड़े हैं तो उसको गलने में टाइम लगता है ना। तो मैंने टमाटर, पाइनएप्पल और ये खट्टा जर्दालू, ये तीनों को डालते भी गई और ढक ढक कर रखी ताकि वो सब पक भी जाए, सब भून भी जाए। अभी मैं ऐड करूँगी इसमें दही, ये एक प्याली भरकर दही है, ये मैंने ऐड कर दिया। आप देखना इसमें मैं कोई भी बाहर का मसाला, कोई भी बिरयानी मसाला कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, लेकिन फिर भी आप ये बिरयानी बनाकर मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये बिरयानी कितना अलग फ्लेवर देती है और इतना अच्छा लगेगा ना, आप ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप, और ये ट्राई ज़रूर करना, ये बिरयानी को आप अपने घर में बनाना और खाकर मुझे ज़रूर बताना। ये दही डालने के बाद मसाला है ना, बहुत ज़्यादा पानी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो अगर कभी भी आप बिरयानी में दही डालने के बाद ही आप बिरिस्ता अगर डालेंगे ना, तो बिरिस्ता तुरंत ही पानी को सोख लेता है। तो कभी भी याद रखना कि दही के बाद ही बिरिस्ता आप डालना। मैंने दही डालकर थोड़ी देर रखी थी, खोल कर देखी तो काफ़ी पानी हो गया था, पूरा मसाला पानी पानी हो गया था। तो ये मैंने स्लो कर दी और अभी देखिए मैं सारा बिरिस्ता ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सी बिरिस्ता निकाल दी थी, क्योंकि ऊपर जब हम पूरा जमाएंगे ना, तो ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ा बिरिस्ता निकाल ली थी। अभी बस जस्ट हमें मिक्स कर देना है, और यही स्टेप पे मैं थोड़ी देर में मटन ऐड कर दूंगी, ताकि उसका भी जो पानी थोड़ा हमने बचाया है ना, वो एकदम अच्छा फ्लेवर वाला पानी है, वो बहुत टेस्ट रहता है वो पानी में। तो वो पानी इसमें जाएगा ना, तो उसका ये बटाटे में और मसाले में उसका टेस्ट भी आ जाएगा मटन का, और इसमें मटन को भी अच्छे से मिल जाएगा सब। अच्छा ये सारा मसाला हमने भून लिए है, अभी इसमें लास्ट में एक चम्मच भरकर मैं गरम मसाला पाउडर, जो मेरा होममेड है, और एक चम्मच भरकर जीरा पाउडर, ठीक है, ये हमें लास्ट में ऐड करना है। लास्ट में ऐड करने से ये होता है कि उसकी जो स्मेल रहती है, उसकी जो खुशबू रहती है, बहुत अच्छी रहती है। तो ये आप अभी ये स्टेप पर ऐड करना। अभी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसमें अब ऐड कर देंगे मटन। मटन ऐड करने से पहले आप एक बार चेक कर लेना कि आपके जो बटाटे थे वो गल गए हैं ना, अगर आपको लगे कि अभी भी वो कच्चे हैं तो ठीक है, फिर उसे ढककर थोड़ी देर रख देना, फिर मटन ऐड करना, क्योंकि अब मटन के साथ हम थोड़ी देर उसे मिलाकर पकाएंगे।
बिरयानी के आलू जो है वो अगर 80% तक अगर कुक हो चुके हैं तो फिर ज़्यादा नहीं पकाए, और फिर दम पर जब बिरयानी आती है ना, जब वो फुल कुक हो जाते हैं। अभी ये जो मावा है ना, उसमें मैंने थोड़ा सी पानी ऐड कर दी हूँ, थोड़ा सी, ताकि वो जो ड्राई ड्राई था ना तो थोड़ा गीला हो जाएगा ना, तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा पूरे मसाले में। अब इसमें मैं लास्ट में मटन डालने के बाद ये मैंने मावा ऐड कर दी। इसके बाद एक बार अच्छे से हिलाकर थोड़ी देर भून ली, और फिर मैंने वो मसाले को नीचे उतार के, फिर जो बटाटा है ना वो एक तरफ नहीं रहना चाहिए, बटाटे को हर तरफ स्प्रेड कर दो, क्योंकि कभी भी तुम किधर से भी मसाला निकालो तो साथ में बटाटा मटन सब आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से पूरा मसाला स्प्रेड करके देख ली किधर क्या, एक तरफ तो पूरा बटाटा मटन नहीं चला गया। फिर उसके बाद मैंने उसमें चावल जो बॉईल करके रखी थी ना वो ऐड कर दी, इसके ऊपर ये कलर वाला चावल ऐड कर दी, अभी उसके ऊपर बिरिस्ता ऐड कर दूंगी। दरअसल जब मैं ये कर रही थी ना वीडियो, तो अचानक से मोबाइल में मेरा वीडियो बंद हो गया था, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, वरना मैं स्टेप बाई स्टेप आपसे पूरा बताने वाली थी कि किस तरीके से मैं बटाटे मटन सबको चेक कर लेती हूँ कि हर तरफ है या नहीं, लेकिन बाय मिस्टेक ये पता नहीं क्या हो गया। ये मैंने बिरिस्ता ऐड कर दी, उसके ऊपर मैंने ये ऑयल ऐड कर दी। आप बिरयानी जिस दिन बनाएंगे उसी दिन अगर बिरिस्ता बनाएंगे ना, तो बिरिस्ते वाला जो तेल रहेगा ना वो ऊपर से डालना, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा, अगर बिरिस्ते वाला तेल भी नहीं है आपके पास तो ऊपर से घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप ऊपर से घी या तेल या कुछ भी डालेंगे तो जो मसाला नीचे रहेगा उसको चेक कर लेना, कभी ऐसा ना हो कि नीचे मसाले में ऑयल बहुत ज़्यादा है और ऊपर से भी आप ये ऑयल अभी भी ऐड कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी। तो जब भी आप लेयर करेंगे ना तो ये मसाला चेक कर लेना, उसमें ऑयल ज़्यादा रहेगा तो वो हटा देना, फिर उसके ऊपर चावल आप ऐड करना। इसके बाद मैंने बिरयानी को दम पे लगा दी थी 5 मिनट तक फास्ट पे, उसके बाद स्लो पे रखी थी 15 मिनट तक, फिर मैंने बंद कर कर भी ऐसी ही रहने दी थी। तो देखो थोड़ी देर बाद खोलने के बाद भी कितना धुआं निकल रहा है, एकदम से मतलब गरम गरम है। फिर मैंने नीचे से भी मसाला ऊपर लेकर देखी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरे मोबाइल की क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको मेरी वीडियो है ना इतनी क्लियर नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, मेरे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे ज़रूर कमेंट करना। शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बिल्डिंग ने काली चादर ही ओढ़ ली है, और इतना डर भी लग रहा था, तो मैंने उसका थोड़ा सी वीडियो बनाई थी जो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए तो इतना अंधेरा हो गया था और उसके बाद बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई थी।